नमस्कार किसान भाइयों के लिए आज हम खास एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं। खेती किसानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है और ख़ासकर जो पशुपालन करते हैं किसान भाई उन सभी के लिए। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये एक ऐसा घास है जो जवार बाजरा और इन सभी से जो है क्वालिटी में उत्तम होता है, ख़ासकर पशुओं के चारे में। अगर चारे की बात करें तो मकई जैसे इसके अंदर गुण हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का घास है और बहुत हरा चारा जो है 2400 घंटे बारह मासी जो है ये मिलता रहता है 12 महीने तक। और इससे एक बार लगाने के बाद करीबन 5-6 साल इसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल पानी देने की ज़रूरत होती है। इसमें कोई किसी तरह का जो है खास फर्टिलाइज़र है वो देने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं खुद, कम से कम 15 फीट से भी ऊंचा ये चला जाता है और बहुत ही मजबूत होता है। पशु बड़े चाव के साथ इसको खाते हैं। इसे हाथी घास भी कहते हैं और कई अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। और ये बहुत ही हरा भरा आपको दिखाई देगा, देखिए ज़मीन तक नहीं दिखाई देती। ये काटना अभी करीबन इसको 15 दिन हुए हैं काटे हुए, लेकिन ये देखिए दोबारा फिर से यहाँ से फुटाव आ गया है और वो आगे जो पहले अभी इसकी कटिंग जा, लेकिन ये कम से कम 7 से 8 बार इसकी कटिंग हो चुकी है, उसके बावजूद जो भी इसका फुटार होता है वो पूरा एकदम ज़बरदस्त होता है, झुंडे की तरह बन जाता है पूरा। आप देख सकते हैं इसे पूरा झुंड बना हुआ है और इसमें करीबन सैकड़ों कल्ले जो है वो एक साथ कटते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक झुंडा है और इसमें आप देख सकते हैं खुद के कितना ज़बरदस्त फुटाव है, ये देखिए। और इसमें सैकड़ों कल्ले, एक जो पोरी यहाँ पर लगाई गई थी उसमें से गन्ने की तरह ये चलता है। ज़बरदस्त इसमें गुण होते हैं, पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है और ये देखिए बिल्कुल हरा भरा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, विशेषज्ञ भी इसको रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि जो चाहे किसी भी तरह का पशु है उसके लिए बहुत ही अच्छा है और दुधारू पशुओं में ये जितने भी विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं उन सभी को पूरा करता है। तो सभी किसान भाइयों को इसे लगाना चाहिए। एक बार लगाने के बाद ये कई वर्षों तक जो है इसे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से काटते जाइए और हरे चारे का भरपूर ये जो है फ़ायदा देता है। देखिए ज़बरदस्त है। अगर इसकी बात करें पास में जाने की तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए आप इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं, पूरा ऐसे लगेगा आपको जैसे गन्ने की कोई वैरायटी है, गन्ने की तरह है, पूरा मोटा जो है इसका डोका होता है और नरम होता है। इसे आप किसी भी चारा चाप कटर या चारे से आप जो है इसको चारा मशीन से काट सकते हैं। अब इन्होंने ये करीबन 4 कनाल भूमि में लगाया हुआ है और बहुत ही दूर तक आप देख सकते हैं हरा ही हरा चारों तरफ।